हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8 ईयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑटिस्टिक बर्नआउट्स। हम उन साइंस की बात करेंगे जिनसे आप ऑटिस्टिक बर्नआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड सम पॉसिबल यू नो वेज की उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। बर्नआउट हम सब जानते हैं बहुत कॉमन है, स्पेशली नॉट ओनली ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए, छोटे हो या बड़े हो, बट ऑल्सो केयर गिवर्स के लिए। केयर गिवर्स हो गया जो उनका ध्यान रख रहे हैं, पेरेंट्स हो गए या कोई और हो गया। एंड जो साइंस ऑफ ऑटिस्टिक बर्नआउट होते हैं वो फिजिकल भी होते हैं और मेंटल भी होते हैं। एंड जनरली उनका कॉज होता है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ सपोर्ट। जस्ट लाइक केयर गिवर बर्नआउट, जो ऑटिस्टिक बर्नआउट होता है उसमें भी यू नो बच्चों को या ऑटिस्टिक अडल्ट को लॉन्ग टर्म डैमेज होने की संभावना होती है। सो अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द साइंस जो हमको देखने चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, जिनसे पता चलता है कि बर्नआउट के मतलब किसी को बर्नआउट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आता है कि ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, मतलब आप हमेशा थके रहते हैं। आप देखते हैं कि जो बच्चा या जो अडल्ट है वो हमेशा एक क्रॉनिक एग्जॉस्टन में रहता है। मतलब उसको लगता है कि बस अब कुछ नहीं कर सकता, जो चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती थी वो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा उस चीज़ में। कभी कभी हमें लगता है कि दे हैव मूव्ड ऑन, कि वो उस चीज़ स्टेज से बाहर आ गए हैं, कि उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। बट अगर आप नोटिस करेंगे काफ़ी देर तक अगर वो बिल्कुल ही उन चीज़ों के ऊपर नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा, थोड़ा सा खेलता है और आपको लगता है लथार्जिक लग रहा है थोड़ा, दैट इज़ कॉजिंग अ बर्नआउट, कि उसमें जान ही नहीं है इतनी कि वो कुछ करे। एनर्जी लेवल्स बहुत कम होते हैं। ऑटिस्टिक अडल्ट्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं होती किसी चीज़ को करने के लिए। और जो बच्चे होते हैं वो इंक्रीज सेंसरी सेंसिटिविटीज हो जाती है उनको, कि मेल्टडाउन ज़्यादा हो जाते हैं। जब इसको मैनेज करने के लिए, जब वो थक रहे होते हैं उनको मैनेज करने क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप गिविंग दैम इंस्ट्रक्शंस कि मतलब ये करो वो करो। इनको एक ऐसी सेटिंग में डालो जहाँ पे उनको ये एक मास्क पहन के ना रहना पड़े कि भाई यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस और यू हैव टू बी लाइक ऐसे बिहेवियर करना है, क्योंकि वो सब एक टोल लेता है एज रेगुलर पीपल ऑल्सो। हमको भी अगर कोई कहता रहे ऐसे मत करो और वैसे करो, जब आप किसी और के रंग में ढलने लगते हैं तो वो ज्यादा इरिटेट करने लगता है आपको। एंड एक टाइम के बाद आप अपने आप जैसे नहीं फील करते हैं, यू फील लो ऑन एनर्जी। यही चीज इनको भी लगती है, बच्चों को या एडल्ट ऑटिस्टिक पीपल को। तो उनको यू नीड टू लेट देम बी, उनको ऐसा सेफ फील कराइए, उनको लव फील कराइए कि व्हेन दे आर फीलिंग टायर्ड बी विद देम। कम्युनिटी जो ऑटिस्टिक कम्युनिटी है वो कोई डिफरेंट नहीं है इस चीज में, बट उनको भी प्यार एंड ऑल द सपोर्ट के साथ यू कैन प्रिवेंट दिस एग्जॉस्टन। हर इंसान को, चाहे रेगुलर हो, न्यूरोटिपिकल हो या ऑटिस्टिक हो, एक टाइम बाद दे नीड टू रिचार्ज देयर बैटरीज, दे नीड दैट रेस्ट, दे नीड दैट यू नो ब्रेक। हम सब छुट्टी पे जाते हैं, हमको क्योंकि वो ज़रूरत होती है। हमें लगता है नहीं, अब बहुत ज़्यादा काम हो गया, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा नौकरी हो गया, हमें ब्रेक की ज़रूरत है। वैसे इनको भी ब्रेक की ज़रूरत है। एंड काफ़ी एक हद तक रीज़न ये होता है, और जो पॉइंट यहाँ ने डिस्कस किया उसका, कि पेरेंट्स ही कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरलोड शेड्यूल बना देते हैं बच्चे का, पूरे टाइम स्कूल, थेरेपी, फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी। और ये अगर एक जैसे जैसे ये महीनों तक या हफ्तों तक चलता है, ये एक ओवरलोड में कन्वर्ट होता ही है। सो प्लीज़ अपने बच्चे का शेड्यूल में ब्रेक्स का प्रोविज़न, रेस्ट का प्रोविज़न ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। सेकेंड सिम्टम है सेंसरी ओवरलोड, बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड होने लगता है। हम सबको मालूम है कि जो सेंसरी सेंसिटिवनेस है ऑटिस्टिक बच्चों में या ऑटिस्टिक अडल्ट में, वो ज़्यादा है। दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, साउंड, स्मेल एंड टच। ये और हाइटेंड हो जाती है जब उनको बर्नआउट होता है, एंड चिड़चिड़े होने लगते और ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं, और ज़्यादा इनका जो बिहेवियर है, रिएक्शन है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो जाता है। एंड बेस्ट वे इसका यही है कि आप एक अगर ज़्यादा यू नो ज़्यादा कहीं लाइट है तो उसको एक डिम एनवायरनमेंट दीजिए, बहुत ज़्यादा लाउड एटमोसफियर है तो वैसी जगह, एक क्वाइट प्लेस उनके लिए क्रिएट करिए। हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पास में, कि बच्चों का या अडल्ट का एक सेंसरी स्पेस होना, घर में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे वो सेंसरी ओवरलोड हम अवॉइड करें, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो है। बट हाँ, अगर किसी और रीज़न से भी बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है तो इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। फिर आता है स्ट्रगलिंग विद डिसीजन मेकिंग। हमारे बच्चे
या जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनको जितनी ज्यादा आप चॉइस दे देते हैं, फिर वो कंफ्यूजन का एक उनके लिए पात्र बन जाता है, उनको बहुत इरिटेशन होती है। आप उनको मतलब आपने कोई उनसे कोई एक्टिविटी करानी है या उनको आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे कोई पूछ रहे हैं, उनकी चॉइस दे रहे हैं उनको करने के लिए कुछ चीजें, जैसे कि आपने बोला ये चार टी-शर्ट्स हैं, इसमें से कुछ आप एक एक चूज करिए और पहनिए। अब उस डिसीजन मेकिंग में उसका जो सोचने की पावर है वो काफी लगती है, मतलब यू हैव टू मेंटली थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट डू यू वांट टू पिक अप एंड क्यू। जितनी ज्यादा आप उनको देंगे, मतलब एक टाइम के लिए एक दो बार के लिए ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे, अगर आप जितनी जितनी ज्यादा चॉइस देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। स्कूल में जैसे अगर मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैथमेटिक्स कर रहे हैं बच्चे और आपको बताना है ग्रेटर देन या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो अगर आप पहले ही उसको चार नंबर दे देंगे और उसमें बोलेंगे सबसे छोटा कौन सा है, वो बच्चा हमेशा इरिटेट होएगा, वो उसको नहीं समझ आएगा। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इसमें, क्या हो जाता है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं स्टॉप? इनको मिनिमम डिसीजन मेकिंग के लिए मिनिमम चॉइसेस दीजिए, दो चॉइसेस से शुरू करिए, क्योंकि क्या हो जाता है इससे ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि क्या मुसीबत है मैं नहीं करूंगा, तो वो नहीं देखते हैं। तो उनके लिए आप उनको दो चॉइसेस दीजिए, इसमें से या इसमें से, जैसी उनकी वो सिंपलर चॉइसेस होंगी वो उनको ईजी लगता है, उनको चूज करने के लिए भी मिल गया और उनको ये भी समझ आ गया कि ये मेरा ही डिसीजन है, अच्छी बात है, और इससे ज्यादा वो स्ट्रगल नहीं करते फिर उसको सोचने में। फिर नेक्स्ट इफेक्ट है सेल्फ केयर, ये पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, ऑटिस्टिक अडल्ट्स के लिए भी है। हम सब जानते हैं कि अगर जब ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस हो जाता है तो दूसरे पे दिखने लगता है, दिखने लगता है कि उसकी शक्ल से दिखने लगता है कि अपना ध्यान नहीं रख रहा, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसने अपने मुंह ढंग से नहीं धोया, ढंग से कपड़े नहीं पहन रहा, अपना वो ढंग से खा नहीं रहा, ढंग से सो नहीं रहा, तो सेल्फ केयर अफेक्ट हो जाता है बर्नआउट में। या कभी न्यूरोटिपिकल बच्चे इंसान में भी जब वो अपना ओवर स्ट्रेस्ड होता है तो वो दिखने लगता है। सो अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोटिस अपियरेंस ऑफ द चाइल्ड और अपियरेंस ऑफ द अडल्ट और अपियरेंस ऑफ द पेरेंट्स और द केयर गिवर्स। आज उससे पता चल जाता है अगर सेल्फ केयर नहीं अपन अपना ध्यान रख रहे, ढंग से खा नहीं रहे, ढंग से सो नहीं रहे, ढंग से अपने आप को टेक केयर नहीं कर रहे, तो वो चेहरे पे दिखने लगेगा। एंड दैट इज़ वन श्योर शॉर्ट साइन ऑफ कि बच कुछ ना कुछ तो लाइफ में उसके है गड़बड़ी गड़बड़ी है। है। फिर आता है एक्सपीरियंसिंग इमोशनल रेगुलेशन चेंजेस। इमोशनल ये सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट है बच्चों के लिए या ऑटिस्टिक अडल्ट्स के लिए, क्योंकि इमोशंस ही वो नहीं सोख कर पाते हैं, जब उनके इमोशंस होते हैं हमें नहीं समझ आते हैं। दैट इज वाई हमेशा कहते हैं कि उनको कुछ इमोशंस के बारे में बताइए, हाउ आर दे फीलिंग, क्योंकि जब उनको नहीं समझ आ रहा कैसे बताना है, मतलब हमें नहीं समझ आ रहा वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हाथ उठते हैं, फिर आउटबर्स होते हैं, चिल्लाना चीखना होता है, मेल्टडाउन्स हो जाते हैं, नहीं समझ आ रहा हमें अंदर से कैसा फील हो रहा है, हम कैसे समझाएं किसी और को। लाइट चले गए बट वील कंटिन्यू द शूट। हाँ एक मतलब एक सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मतलब हमेशा एक अनरीचेबल एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें बच्चों से ना, कि मतलब इमोशनली इसको ऐसे फील हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है, हम इसको क्यों नहीं ऐसे कर सकते, आप क्यों नहीं ठीक होते, आप इतनी चीजें बोल देते हो जब बच्चा इज फीलिंग डाउन, हम ही कुछ ट्रिगर कर देते हैं चीजें, हम उसको रुला देते हैं, लेकिन फिर रोना नहीं है, ऐसी चीजें आती हैं, दिस कैन कॉज अ बिग डैमेज, इमोशनल डैमेज टू द चाइल्ड। और ये चीजें हमें ऑब्वियसली वी नीड टू अवॉइड, वी नीड टू टेक केयर कि उनकी इमोशंस उनको नहीं बताने आ रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम उसको और डैमेज ना करें किसी भी तरीके से। फिर एक और साइन है स्ट्रगलिंग विद सोशल इंटरेक्शंस। हम सब जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं सोशल इंटरेक्शन में, बट येस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद थेरेपी विद लॉट ऑफ इंटरवेंशन एंड ऑल वो कुछ कुछ फ्रेंड्स बना लेते हैं। वो अपने सर्कल में जो भी उनका छोटा बहुत सर्कल है, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, स्कूल के बच्चों का, कॉलोनी के बच्चों का, उनके साथ एक उनका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो होता है, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनसे चाहे लिमिटेड ही बात करें बट वो एक तरह से सोशली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे होते। बट जब आपका बिल्कुल वो हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है, तो देन दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट एट ऑल। वो नीचे जाना है, पार्क में जाना है कि मन ही नहीं करेगा उसे, दूसरे बच्चों को देखने का मन ही नहीं करेगा, घर में पेरेंट्स या किसी और से भी जिनके साथ रेगुलर भी बात कर रहा है मन नहीं करेगा, ज़्यादा अपने में विड्रॉ हो जाएगा। सो दीज आर अगेन साइंस की बच्चा बर्नआउट किसी तरह का
ओवरवेलम है एंड बर्नआउट अब किसी तरह का एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर जैसे कि बताया कि मतलब एक फ्रीक्वेंट मेल्टडाउन्स होने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, कई बार स्टिमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्क्रीमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, रोते हैं, मारते हैं, और नहीं पता क्यों है। इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। ये कोई इन बच्चों में वो नहीं है कि मेरे को रिवेंज लेना है, आउट ऑफ वेंजेंस मुझे ये करना है कि मैं किसी को मार रहा हूँ, उनको नहीं समझ आता, उनका मेल्टडाउन होता है, हमें नहीं समझ आता उनको कैसे कंट्रोल करना है, स्क्रीमिंग, क्राइंग, ये सब होता है। तो इस आउटबर्स्ट में, और ये आउटबर्स्ट इट्स नॉट कि मतलब वो 2 सेकंड का हुआ या 4 सेकंड का हुआ, ये कई मिनट्स मिनट्स तक और फिर कई घंटे तक भी हो सकता है। ये बर्नआउट के साइंस हैं फॉर श्योर। आप देखिएगा जब आपके बच्चे अगर बहुत जल्दी उठे हैं सुबह, पूरा दिन उनने सब कुछ किया अपना, जो भी सारा काम किए, दिन को भी नहीं रेस्ट किया, पूरा टाइम चलते रहे चलते रहे, बाय द एंड ऑफ द इवनिंग वो ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड होते हैं, वो चिड़े हुए होते हैं, उनको हर चीज चाहिए होती है, उनको हर चीज नहीं चाहिए होती है एट द सेम टाइम, वो एक मेल्टडाउन का पॉइंट आ रहा होता है कि वो रोने भी लग जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि वो रो क्यों रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो। इन मेल्टडाउन्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि उनकी कोई सेंसरी ओवरलोड ना हुआ हो, यू नीड टू मेक श्योर कि उनको थोड़े थोड़े रेस्ट दिए जाए पूरा टाइम, उनको यू हैव टू मेक देम सिट, उनको प्रेशर पॉइंट प्रेशर दीजिए, क्योंकि वो मेल्टडाउन्स उससे कम हो जाते हैं, देन दे डोंट फील ओवरवेल्म्ड एंड देन दे डोंट हैव मेल्टडाउन सो फ्रीक्वेंटली। आप देखिए इसमें अगर जो बर्नआउट का सिम्टम्स है, अगर ये जैसे मेल्टडाउन की बात करी नेहा ने, अगर ये मेल्टडाउन हम भी देखते हैं कि हर रोज़ नहीं होता, या अगर होता भी है तो एक बड़े छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है। मगर अगर आप देख रहे हैं कि ये चीज़ बहुत रेगुलरली हो रही है, दिनों से हो रही है, हफ्तों से हो रही है, और इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, देन दैट इज़ अ श्योर शॉट साइन ऑफ अ प्रॉपर ऑटिस्टिक मेल्टडाउन, बर्नआउट। सॉरी, एक और सिम्टम है एक्सपीरियंसिंग मेमोरी डिफ़िकल्टीज़। उसको ये हमारे साथ भी, न्यूरोटिपिकल लोगों के साथ भी होता है, ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में या कुछ है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ब्रेक चाहिए, मिल नहीं रही, आप भूलने लगते हैं चीज़ें, एकदम से कोई चीज़ आपको पूछो तो याद नहीं होता, उसकी एक टर्म है ब्रेन फॉग, आपका दिमाग सुन हो जाता है, आपको बस ब्रेक ही चाहिए। तो ऐसे इनके साथ भी होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इनको ऑटिस्टिक बर्नआउट है तो शायद ये पढ़ाई में इनको कुछ चीज़ें जो ऐसे नॉर्मली याद भी हो, या कोई और भी चीज़ जो उनको याद है, या जो एक नॉर्मल यूज़ ऑफ मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ये सब में उनका एक ब्रेन फॉग हो जाता है, वो विड्रॉ हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भूल रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, जो बहुत सीखा भी है वो भी नहीं उनको याद रह रहा। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिखने लगे तो अगेन दिस इज़ द साइन ऑफ ऑटिस्टिक बर्नआउट। इसके लिए अगेन जैसे जैसे हमने पहले भी बात करी कि एक शेड्यूल बनाना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को ब्रेक का प्रोविजन, रेस्ट का प्रोविजन हो। या बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा है, देन दे नीड अ प्रॉपर ब्रेक, कि चलो कुछ दिन हम उनको थेरेपी नहीं कराएंगे, कुछ दिन हम छुट्टी पे जाएंगे, एब्सोल्युटली, कुछ दिन हम अपने शेड्यूल में थोड़ा सा ज़्यादा फन इंक्लूड करेंगे। दिस इज समथिंग विच यू कैन ट्राई। तो ऑटिस्टिक बर्नआउट एक सीरियस सिचुएशन है। इट इज नॉट कि सिर्फ बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे हैं उनके लिए, पर उनके केयर गिवर्स के लिए भी है, एंड इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू नॉट जस्ट मेंटली बट फिजिकली एज वेल। फिजिकल साइंस इसमें हमने ज्यादा बताए हैं क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है, मेंटली आप किसी का इतना ज्यादा नहीं कर सकते, बट फिजिकली अगर आप चीज़ें नोटिस करें तो वो हो जाती हैं, आपको लगता है कि बच्चा आज हमारा उतना चीज़ें नहीं कर रहा जितना यूजुअली करता है, आज वो इतना अच्छा, ही डजंट वॉन्ट टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स। जैसे अंबर ने बोला कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आज मतलब इतने दिनों से उसका एक स्केड्यूल फिक्स हुआ था, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कई बार हम भी उनकी ब्रेक्स ले लेते हैं उन क्लासेस से ताकि बच्चे को अच्छा लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड हेल्पफुल लगा। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि छोटे बच्चों में फिज़िकल की हमने ज़्यादा बात इसलिए करी क्योंकि छोटे बच्चों में या बच्चों में स्पेशली फिज़िकल चीज़ें, वो कोई भी स्ट्रेस हो या कुछ हो, फिज़िकली बड़ा इजी होता है आइडेंटिफाई करना पेरेंट्स के लिए या केयर गिवर्स के लिए। बड़ों में, बड़े बच्चे हो चाहे न्यूरोटिपिकल हो या ऑटिस्टिक हो, वो अपना बर्नआउट का सिम्टम्स छुपा लेते हैं, ईजिली मास्क कर लेते हैं, तो वो उनको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई वी कवर्ड मोर ऑफ फिजिकल सिम्टम्स एंड जो ईजी टू स्पॉट है फॉर चिल्ड्रेन। सो आई डू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा एंड फर्दर शेयर इट विद एनी पेरेंट्स ओके गिवर्स, जिनसे आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। हम लोग हर संडे 8 PM नया कंटेंट लाते हैं,
सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.